यही है जो एक किसान भाई को नागमणि के साथ दो सांप दिखाई दिए। सांप पकड़ने वाले भैया? हाँ भैया। हाँ। तुम ये सांप पकड़ने वाले भैया? हाँ हाँ हाँ। आपने फोन किया था? हाँ मैंने करा था। हाँ बात बताओ क्या है? यहाँ पर दो सांप निकले थे। अच्छा। हाँ। वो ब्लैक है कतई। अच्छा। काले हैं कतई। तो फिर यहाँ क्यों मुझे इतनी रात में बुलाया है? मैंने आपको फोन करा था, मैंने आपकी जो है यूट्यूब पर वीडियो देखी थी भैया। हाँ हाँ। तो मैंने तुम्हारा नंबर लाया, उसमें से निकाल कर मैंने कही इन वाले भैया को मैंने फोन करूँ। तो मैंने यहाँ पर निकला था मेरे खेत पर, हम गेहूँ भर रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर दो जोड़ा निकला था काला सांप का। सांप का जोड़ा है? सांप की नागमणि, वो जोड़ा नागमणि के साथ है, जैसे कि मतलब फिल्मों में दिखाते हैं ऐसा जोड़ा। आपने देखा नागमणि को जलते हुए? देखा? बिल्कुल देखा हमने भैया। दोस्तों आज की वीडियो छोड़कर मत जाना। आज की वीडियो कुछ इस तरीके से है, ये किसान भाई है, नाम क्या है? जोगेश। जोगेश भाई, और ये अपने खेत पर पानी चलाने के लिए आए, इन्होंने देखा कि सांप का जोड़ा है और वो नागमणि के साथ। ऐसा कभी फिल्मों में दिखाया गया और आज रियल में देखने मिल गया। तो ये नागमणि को उगलता है, वो नागमणि, वो सांप किसी भी इच्छाधारी नागिन बन जाता है, मतलब लड़की के रूप में, इंसान के रूप में नागमणि के साथ है ना। हाँ, हाँ, लाइट है। हाँ लाइट है और हीरे जैसा। हाँ, जल रहा है, हीरे जैसे जल रहा था इधर की साइड अभी। तो इन्होंने देखा और ये डर के कारण आप भाग गए उधर। हाँ, से हम भाग, ये बहुत भाई घबराए हुए हैं और ये उधर से भाग कर आ गए। अब जाकर देखते हैं दोस्तों वहां पर क्या चीज है ऐसी, क्योंकि मैंने भी फिल्मों में सुना है लेकिन असल रियल में कोई नागमणि होती नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, दो मिनट की वीडियो है। बियाबान जंगल और सुमसाम जगह है और मैं यहाँ पर इतनी रात में आया हूँ, रात के 12 बज रहे हैं। और दोस्तों जाकर दिखाते हैं और रियल सच्चाई है क्या, वो नागमणि है, पत्थर है, किसी ने शरारत की है, क्या है? दोस्तों आप देख रहे हैं, यही है जो एक किसान भाई को नागमणि के साथ दो सांप दिखाई दिए। नागमणि है क्या है, हम जाकर देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या सच्चाई है। ऐसा कभी फिल्मों में दिखाया गया और आज रियल में देखने मिल गया। और दोस्तों मुझे भी डर लग रहा है कि इतना बियाबान जंगल, अंधेरी रात और एक सुनसान जगह, और ये दो सांप किस तरीके से एक डायमंड हीरे की तरह ये चमक रहा है उजाला, और नागमणि फिल्मों की तरह लग रहा है मुझे देखने में। और हम लोग यहाँ पर आए हैं और जाकर देखते हैं दोस्तों। फिल्मों में बताया गया और बुजुर्गों ने भी बताया कि 100 साल पुराना जब नाग हो जाता है तो वो अपने उसके अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा होती है कि वो एक नागमणि उगलता है 100 साल होने के बाद। ये हम लोग नहीं बताते हैं, ये फिल्मों में सिखाया गया। अरे भाई ये इच्छाधारी सांप सदियों से है, और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है। और दोस्तों ये खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। ठीक है दोस्तों, तो 100 साल जब पुराना हो जाता है तो वो उगलता है, ये नागमणि उसके अंदर पैदा हो जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई सांप की उम्र स्पेक्टिकल कोबरा 15 साल से बढ़ती उम्र नहीं होती, ये फिल्मों में बताते हैं, सब झूठे बताते हैं उसमें फिल्मों में कि 100 साल पुराना। ठीक है, और हम एक छोटा क्लिप लगा रहे हैं, आप अपने इस वीडियो में देख लेना कि किस तरीके से नागिन फिल्म में 7 लोगों से बदला लिया उस। और दोस्तों ये नागमणि करते हैं, ये खेत की तरफ आए और इन्होंने देखा कि एक नागिन का जोड़ा किस तरीके से एक हीरे नागमणि के पास। तो आज मैंने सोचा कि ये चमत्कार काश मुझे भी मिल जाए, सच में मैं भी अपनी आंखों से देखना मंजर पसंद करूंगा। बता दूं कि नागमणि सच में होती है या नहीं होती है, कि सच्चाई बताऊं मैं आपको, ये कोई नागमणि नहीं है और ना ही नागमणि कुछ होती है। हम लोग इतनी रात में आए आप लोगों को जागरूक करने के लिए, और किसी ऋषि के रूप में और कैसे किसी भी रूप में आ सकता है, और वो इंसान अमर होता है और वो सांप भी अमर होता है, ये फिल्मों में बताया गया है कि वो किसी रूप को धारण कर ले और वो इंसान सबसे ज्यादा अमीर हो जाता है जिसके हाथ ये नागमणि आती है, ऐसा ही है ना भाई? हाँ भाई। एक नागमणि को पाने की खातिर फिल्मों में उल्टी कहानियां बताते हैं, और कुछ लोग हैं कि अंधविश्वास सारी जिंदगी लगा देते हैं इस नागमणि को पाने के लिए। ये नागमणि और ये मेरे पास मोबाइल फ्लैश, ये मैंने ज़मीन में इसको दबाया और ये देख रहे हैं आप, ये बन गई नागमणि। ये एक पत्थर है, ये एक शीशा है, पत्थर देख रहे हैं आप, और ये सभी तरह की लाइटें फेंकता है। तो इससे क्या होता है कि एक अंधविश्वास पैदा होता है,
और दोस्तों रात के 12-1 बजे आना और आप लोगों को जागरूक करना। क्या बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में और आप लोगों को जागरूक करने में। कोई नागमणि होती नहीं, यह सांप है कि अपने अंदर इसकी इतनी क्षमता नहीं है जो ये अपने अंदर एक डायमंड को, पत्थर को, हीरे को बर्दाश्त कर सके या आग को। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे सांप पड़े हैं कि फनकार मार दें तो आग लगा देते हैं। अपने मुंह के अंदर आग बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी सांप, कोई भी जानवर आग लगाने वाला नहीं होता है। अगर आग लगाने वाला जानवर होता तो कितनी फसलें पक्के बिल्कुल सूखी हो जाती हैं, जैसे गेहूं की फसल है, एक तिल्ली डालने की देर है पूरी फसल जल के राख हो जाएगी। क्यों उन फसल नहीं जलाता ये सांप? तो इसलिए मैं बताता हूँ, आज रात के 12-1 बजे आए और आप लोगों को ये दिखा दिया कि नागमणि वाला सांप होता है या नहीं होता है। तो ये हमारी एक प्लानिंग वीडियो ये थी कि मेहनत करते हैं और इनको भी आज़ाद कर देंगे। तो कमेंट करना और ये बताना रियल में कि हाँ कुछ इस वीडियो में मेहनत हुई या नहीं हुई, ज़रूर कमेंट करना। तो कमेंट करेंगे आप तो मुझे ये भी पता पड़ेगा मेरी वीडियो कौन कौन देखता है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, रात के 1 बजे आना। और आप लोगों की खातिर, सच में कोई नागमणि होती नहीं है, आप भी चले जाओ ठीक है। और ये जहरीले हैं, इनसे खेल नहीं है। और दोस्तों दूसरों तलक शेयर करना, अपने ग्रुप में डालना, व्हाट्सएप ग्रुप और ग्रुप हैं और जगह भी शेयर करना कि लोगों तलक मेरी जानकारी पहुंचे। इन बेजुबानों को मारा ना जाए, इसके जहर से एंटीवेनम इंजेक्शन बनते हैं, जो ये काट ले तो इसी का जहर इंसान को बचाने के काम में आता है, ठीक। और दोस्तों ये दोनों सांप अब धीरे धीरे अपने छिपने की जगह चले जाएंगे और बाकी बची कुछ जिंदगी ये दोनों सांप जिएंगे। उसने, अरे यार आपकी बताए हुए कहानी पर पता है लोग सांपों की आंखें फोड़ फोड़ कर मारते हैं, लट्ठों से मारते हैं सांप को, बाद में मारते हैं पहले आंखें फोड़ते हैं, ऐसे ही है ना? हाँ, किस लिए? के फोटो ना खींच ले। हाँ, फोटो ना खींच ले सांप, फोटो ना खींच ले, ठीक है। और की शरारत नहीं थी, ये खुद मेरी शरारत थी। मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि ये मेरी शरारत थी, क्योंकि आप लोगों को जागरूक करने के लिए। किसी इस ऐसी कहानी पर मत जाइए, सांप सिर्फ जहरीला और बिना जहरीला दो सांप होते हैं, जो एक जहरीला एक बिना जहरीला। वैसे तो 275 नस्ल होती है, लेकिन जहरीला और बिना जहरीला इस चीज को याद रखें सिर्फ, ठीक है। ये नस्ल पहचाने कि जहरीला कौन सा है, तभी उसको पकड़वाएं और मारने की कोशिश तो ना करें, और मारें भी तो जहरीला पहचान ले पहले कि जहरीला है कौन सा, ठीक है। बाकी मैं तो ये कहूँगा मारें ना, और आपके बराबर में कोई रेस्क्यूअर नहीं है आसपास में तो मारना भी पड़ता है सांप के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। और ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे भाई हैं, ये समझो मेरे दोस्त हैं। तो ये मेरी वीडियो में मैंने खुद इन्हें पढ़ाया कि इस तरीके से करना है, ठीक है। एक किस लिए कि एक नागमणि के ऊपर जो ड्रामा करने चलता है इसलिए। तो ये और हम आए हैं रात के 12 बजे, ये दो मेरे पास सांप रखे थे उनको छोड़ने के लिए बहुत बड़े जंगल में, ठीक है। तो दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।